और अब चलथन मुंगेली। मुंगेली जिला के तेलिया पुरान गांव में धान संग्रहण केंद्र में धान के संग्रहण के काम पूरा तरह बंद पड़े हैं। बारदाना के कमी के वजह से पाछू कई दिन ले यहाँ के संग्रहण केंद्र ले किसान मन ला वापिस लौटे ला पड़ा थे। देखो मुंगेली ले शुभम देवांगन के रिपोर्ट। एक कति जिहा जम्मो प्रदेश में धान संग्रहण के काम जोर शोर ले चलत हे, उहे मुंगेली के तेलिया पुरन गांव में पाछू कई दिन ले धान संग्रहण के काम ठप पड़ गए हे। कारण ये है कि यहाँ बरदाना ही नहीं है। कई दिन ले किसान मन ला एकर सेती टोकन घलोक नहीं मिलत हे, तेखर से उमन अपन धान ला नहीं बेच पाते। रोज बिहनिया किसान मन धान ल संग्रहण केंद्र तक जैसे तैसे लाते, फिर संझा तक उमन ल जस के तस वापिस ले जाए ला पड़ते। मोन्ना जगत राम राउत बूढ़ी पाली जीपी ग्राम जंगुला और धान बेचे खाति पर हमन धान यहाँ आने हैं। शुक्रवार के दिन के टोकन आवे, आज 5-6 दिन हो गए धान आव हमारे कांटा नहीं हुई से ओकर खाति परेशानी में हो हैं। ओकर खाति एपो ला फोन करे हैं, चक्का जाम करे हैं, सिगरेटी लेके हेले यह ला देखा थे, मिलल ला देखा थे, मिलल ला के हेले एसी वाला देखा थे। इसने कर करके हम लोग किसान ला भारी परेशान हुई से तिकरे खाति खा मन हार चक्का जाम करके बूढ़ी पाली पंचायत में किसान बैठे हैं। नहीं है तो कहाँ टोकन कटे तो तुमन बेच नहीं पाते हो क्या? अपन कहाँ बेच बेच रहे बेच नहीं पा रहे, क्या परेशानी होती? बहुत परेशानी है। वही अधिकारी मन के बात करीन तो उह मन बरदाना के कमी ला मानत हुए जल्द ही बरदाना आए के बात कहत है। धान नहीं उठ रहा, ओ कल हम धान सब उठा लेंगे। यहाँ यहाँ जो टोकन पड़ा था यहाँ लगभग 4,500-5,000 पैकेट धान पड़ा है, मिलर नहीं आए थे इसीलिए उठ नहीं पाया था। मिलर का भी सिक्योरिटी खत्म हो गया था, कल से सब उठ जाएगा। नवा सरकार कति ले 2500 समर्थन मूल्य धान खरीदी के घोषणा के बाद जम्मू प्रदेश के गांव मन में धान खरीदी बाढ़ गया हुआ है। ऐसे में तेलिया पुरन के किसान मन के गुस्सा होना जायज है। एक हफ्ता ले बरदाना आए के इंतजार करत किसान मन में धीरे धीरे आक्रोश बढ़त है। मुंगेली ले डिजिटल रिपोर्टर शुभम देवांगन की रिपोर्ट।